हेलो बच्चों, आज आपका नया साल का पहला दिन है और हम रेडॉक्स रिएक्शन के आगे कंटिन्यू करते हैं उसी को। सबसे पहले बच्चों, आप लोग को नव वर्ष की ढेर सारे शुभकामनाएं। और बेटा, ये नया साल 2024 का फर्स्ट जनवरी का पहला दिन है, तो आप लोग ध्यान से मेरे लेक्चर को देखिए। बेटा, मेरा पूरा प्रयास है आपको केमिस्ट्री, मेरा मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि पढ़ा दूँ कि आपको केमिस्ट्री एकदम सिंपल से। मैं आपको अभी तो मैं पहले आपके एग्जामिनेशंस, जैसे होम एग्जामिनेशंस होते हैं, उस स्तर का पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जब मेरा सारा लेक्चर कंप्लीट, फिर मैं इसको कॉम्पिटेटिव भी पढ़ाऊँगा। तो आप लोग, मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि आप लोग का, सभी लोगों का, हमारा, आपका, सबका जो नया साल है, भगवान ईश्वर करे कि सबका अच्छे ढंग से व्यतीत हो। और इसमें आप लोग पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करिए। भाई, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नियम है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, है कि नहीं? तो जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इस लेक्चर में बेटा मैं आज शुरू कर रहा हूँ, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरा टॉपिक चल रहा था बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन, रेडॉक्स इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो बेटा, मैंने बता दिया था आपको, उसमें मैंने बताया था आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड चल रहा था, आज उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले मैं बेसिक मीडियम बताऊंगा और फिर मैं एक रेडॉक्स रिएक्शन लेकर के उसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बता दूंगा और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बता दूंगा। तो आपको पूरी तरह से आपको रूल समझ में आ जाएगा, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। तो ध्यान से देखिए, समझ में जरूर आएगा। तो बेटा, मैं पहला इक्वेशन लिख करके मैं उसके रूल्स को बताते हुए आपको बैलेंसिंग करना बताता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था बेटा एसिडिक मीडियम तो बताया था, और आप उसमें प्रैक्टिस करिए बेटा, खुद प्रैक्टिस करिए, है कि नहीं? अब कितना संभव है, कितना मैं क्वेश्चंस लगवा सकता हूँ, तो ये मैं आपको आगे आज पढ़ा रहा हूँ। 11th का ये लेक्चर है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स तो हर जगह कॉमन है भाई, जहाँ जहाँ है उसके विषय में तो वही चीज रहेगा, वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, सब जगह कॉमन है। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया है सबको, सिस्टमेटिक बता भी रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में भी आएगा बेटा लोग। चलिए देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं और उस क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं बेसिक मीडियम का रूल कैसे करते हैं बेसिक मीडियम में और कहां आपको दिक्कतें आती हैं। बेटा, मैंने बताया था कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लिए मैंने रूल्स आपको बता दिया था कि आयन इलेक्ट्रॉन के लिए करते क्या हैं। सबसे पहले रूल्स मैंने बताया था कि दो हाफ रिएक्शन सेलेक्ट करते हैं, बताए थे। पहला रूल्स यही था कि टू हाफ रिएक्शन का सिलेक्शन करते हैं, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो। दूसरा रूल मैंने बताया था अदर एटम को बैलेंस करते हैं, अदर एटम का मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके अदर एटम को बैलेंस करते हैं। फिर मैंने बताया था ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में H+ जोड़ते हैं, चार्ज को इलेक्ट्रॉन के द्वारा बैलेंस करते हैं। फिर अगला था कि दोनों हाफ रिएक्शंस में ऐसे कोफिशियंट से करके हम मल्टीपल करके जोड़ते हैं कि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए और कैंसिल आउट हो जाए और हमें जो इक्वेशन प्राप्त होता था वो क्या होता था, बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन हो जाता था। ये था मेरा एसिडिक मीडियम में। अब बेटा, बेसिक मीडियम में केवल थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब है। एग्जांपल से हम इसको समझा रहे हैं, आप देखिएगा, रूल्स में बताता चलूंगा बेटा। ये एग्जांपल्स में जैसे जैसे है क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चन ये है Cl2+OH- एरो Cl- Cl₃₁ + H₂। ये इक्वेशन है। तो अब बेटा, जैसे ये इक्वेशन आ गया,
और इसको कह दिया जाए कि आप इस इक्वेशन को बैलेंस करिए। देखिए नियम से चलेंगे, जैसे होता है ना कि कभी आदमी जो नियम से चलता है, रोड को ही देख लीजिए, क्रॉस करने से रोज तो कभी एक्सीडेंट नहीं होता, जहां नियम से आप अपोजिट गए तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो याद रखिए वैसे यहां रूल्स हैं, रूल्स से अगर आप चलेंगे तो कभी भी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो बेटा ये मेरा सवाल है और इसको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। किस मेथड से करना है इसको? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, याद रखिए। आज हम इसको बैलेंसिंग आज हम खत्म कर देंगे, पूरा ही खत्म हो जाएगा एक तरह से, संभवतः जो रेडॉक्स का आपका कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे अगर कुछ बचेगा नहीं तो आपका चैप्टर एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बता दिया और आपका आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग टफ होता है आयन वाला। देखिए बेटा यहाँ पे जैसे इक्वेशन दिया गया, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे ये देखिए, देख रहे हैं ये OH जुड़ा हुआ है। अब यहाँ OH जो होता है इसका मतलब ये इक्वेशन किस मीडियम में है? बेसिक मीडियम में। किस मीडियम में है? बेसिक मीडियम में। OH जुड़ने का मतलब है यहाँ क्या है, ये बेसिक मीडियम में है। तो बेसिक मीडियम में बेटा देखो अब इसको क्या करेंगे, फिर वही रूल लगाएंगे, टू हाफ रिएक्शन सेलेक्ट करेंगे, अदर आइटम बैलेंस करेंगे। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, बाकी फिर चार जो है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा करेंगे, टू हाफ रिएक्शंस को ऐड करके जोड़ेंगे। देखिए यही रूल लगेगा, केवल जहां चेंजिंग है उसको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो बेटा टू हाफ रिएक्शन क्या होगा, एक तो हाफ रिएक्शन आपका ये हो जाएगा, पहले यहां लगा ये तो क्वेश्चन था ना, यहां नीचे लिख दे रहे हैं ये जैसे। देखिए बेटा एक हाफ रिएक्शन आपका ये हो गया, ये हमारा आंसर ये चल रहा है सोल्यूशन। देखिए बेटा एक हाफ रिएक्शन हो गया Cl2 से Cl-, ये हमारा मान ले रहे फर्स्ट, अलग अलग मान रहे हैं, और एक आपका यही से ये हो जाएगा बेटा ये बाकी कहीं चेंजिंग नहीं मिलेगी आपको, ये हो जाएगा Cl2 से ClO3 1-, ये हमने मान लिया इसको ABC करके कर रहे हैं, दूसरा ABCD और ये आपका 1-2-3 है ना, ये दो हाफ रिएक्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया, कर लिए बेटा। अब देखिए दूसरा रूल है अदर एटम बैलेंस करते हैं, अदर एटम का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके। तो यहां अदर में क्या है, क्लोरीन इधर दो है इधर एक ही है, तो कर दीजिए यहां लगेगा ये रूल Cl2 से 2Cl-, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। और यहां पे भी बेटा इधर दो Cl है इधर एक ही Cl है, तो यहां पे भी लगेगा Cl2 से 2ClO 3-1-, ये वाले ये भी आ गया है ना, इक्वेशन रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखिए अब बेटा ये हमने कर दिया, अब देखिए क्या करते हैं, अब इसके बाद क्या करते हैं, अदर एटम जब बैलेंस हो जाता है, बेसिक मीडियम में ध्यान दीजिएगा, अदर एटम बैलेंस करने के बाद याद रखिए जिधर जितना ऑक्सीजन हो, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अदर एटम जब बैलेंस हो जाता है तो जिधर जितना ऑक्सीजन रहता है उधर उतना H2O जोड़ते हैं और उसका डबल OH, उसका डबल OH ग्रुप, डबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डबल OH माइनस अपोजिट साइड में जोड़ते हैं। इतना करने से सब बैलेंस हो जाता है, अगर नहीं होता तब फिर आवश्यकता अनुसार अपने अनुसार करेंगे, एक H2O एक OH जोड़ करके, वैसे जनरली हो जाता है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। तीसरा रूल ये है कि जिधर जितना ऑक्सीजन हो उधर उतना H2O जोड़ेंगे और उसका जस्ट अपोजिट साइड में डबल OH माइनस जोड़ेंगे, हमारा बराबर हो जाएगा, नहीं अगर इस पे होता तब आवश्यकता अनुसार H2O OH जोड़ेंगे, ये याद रखिएगा, यही है बाकी तो सेम है। तो चलिए इसमें ऑक्सीजन किस तरह, नहीं यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा बेटा, इधर कितने ऑक्सीजन है 6 और इधर कोई नहीं, तो मैंने क्या बोला Cl2 है, जिधर जितना ऑक्सीजन हो, याद रखिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जिधर जितना ऑक्सीजन हो उधर उतना H2O, तो कितना ऑक्सीजन है 6 है, तो इधर 6 H2O जोड़ दिए
और इसका दोगुना ओ एच अपोजिट साइड, यानी इसके अपोजिट साइड इधर, यानी यहां पे 12 ओ एच माइनस जोड़ दिए, तो देखेंगे लगभग सब बराबर हो जाएंगे। अगर नहीं होते तब आवश्यकता अनुसार फिर करिएगा, देखिए बराबर हो गया। ये आपका क्या है, सी रूल है ना, मतलब रूल सी मतलब तीसरा रूल, जिधर जितना ऑक्सीजन उधर उतना H2O, उसका दोगुना ओ एच दूसरी तरफ जोड़ दीजिए, तो देखिए बराबर हो गया, दो सी एल और 12 ऑक्सीजन 12 सारे आइटम बराबर हो गए। अब आगे फिर चार्ज पे, चार्ज को किससे बैलेंस करते हैं, चार्ज को बेटा इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देखिए इधर कितने चार्ज है, दो निगेटिव, इधर दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन एरो 2Cl- ये तीसरा इक्वेशन यहाँ आ गया, ये बराबर हो गया पूरी तरह से 2Cl-। यहाँ देखिए इधर कितना निगेटिव है, दो, इधर कितना है 12 निगेटिव, तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, यानी Cl2+12OH- 2ClO31- 6H2+10 इलेक्ट्रॉन, ये आपका डी है ना, ये अब बराबर हो गया। देखिए सर अब फिर लास्ट रूल है, ऐसे नंबर से मल्टीपल करके जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, कट जाए। यहाँ देखो 10 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ कितना है 2, तो इसमें केवल 5 का मल्टीपल कर दीजिए, तो करेंगे तो क्या होगा, यही 5Cl2 10 इलेक्ट्रॉन 10Cl-, ये आपका चौथा रूल आ गया। अब इसमें देखिए 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें दोनों को जोड़ दीजिए, बस आ गया इक्वेशन, तो जोड़ दीजिए, इसको इधर ले जाके जोड़ दे रहे हैं, लिख दे रहे 5Cl2 10 इलेक्ट्रॉन 10Cl- है ना, ये कौन सा इक्वेशन है, फोर्थ वाला, वही डी में फोर्थ जोड़िए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, जोड़ दीजिए 5Cl2 1Cl2, तो क्या हो जाएगा 6Cl2+12OH- 10Cl- 2Cl3+6H2। देखिए बेटा बराबर हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया, देख लीजिए गिन लीजिए सही है कि नहीं, 12 क्लोरीन है, 6 2 12, 10 2 12 क्लोरीन है, 12 ऑक्सीजन 12 रहे, चार देखिए 10 निगेटिव हो, 2 12 निगेटिव 12 निगेटिव, बराबर हो गया। इसको और सिंपल कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 से सब डिवाइड करेंगे तो 2 3Cl2 भाई है 3Cl2+6OH- ये भी लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 5Cl- और ClO31- 3H2, ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखिए चाहे दोनों सही है, देखिए ये भी बैलेंस होगा, 6 क्लोरीन 5 6 क्लोरीन 6 ऑक्सीजन 3 3 6 ऑक्सीजन 6 6 बराबर है 5 6 6 हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये आपका बेसिक मीडियम में भी इक्वेशंस कैसे बैलेंस करते हैं, सब रूल वही है, केवल थोड़ा सा यही है कि जिधर जितना ऑक्सीजन है उधर उतना H2O जोड़िए, उसके दूर ना हो अपोजिट साइड जोड़िए, बराबर हो जाएगा, फिर चार्ज को इलेक्ट्रॉन द्वारा कर दीजिए, ये नोट कर लीजिए। अब बेटा हम एक और आपका एक एग्जांपल लेकर के उसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से और आयन मेथड जो बताया ना उसी को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बता दे रहे हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अब जैसे मैं आपको लिख रहा हूं एक
एक मैं लिख रहा हूं इक्वेशन और उसी इक्वेशंस को ऑक्सीडेशन नंबर से बता चुके हैं आयन से, उसको ऑक्सीडेशन से देख लीजिए, रूल वही है। एग्जाम में वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही पूछा जाता है। जैसे देखो बेटा ये मैंने लिखा था, क्या लिखा था, MnO4 माइनस C2O4 डाई निगेटिव, ये था Mn++ CO2 प्लस H2O, ये इक्वेशन था, मैं आयन से करा दिया था और ऑक्सीडेशन नंबर से भी वैसे होगा। मैं रूल्स ये करा दे रहा हूं, ऐसे ही रूल आप जानते रहिए, ऐसे ही लगेगा। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर ये बेटा बहुत कम आता है, मेन आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पूछता है, इसको करके दिखा दे रहे, फिर बाकी अपना किताब से प्रैक्टिस करिएगा, रूल्स केवल समझ में आना चाहिए। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करते हैं, वही टू हाफ रिएक्शंस, MnO4 माइनस एरो Mn++ C2O4 डाई निगेटिव और C2, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया बेटा। अब सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिएगा, यहां किसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +2 होगी, यहां इसका क्या होगा +7 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। यहां देखिए ऑक्सीडेशन इसका अदर एटम बैलेंस करिए, यहां दो से मल्टीपल करके जोड़िएगा, यहां क्या होगा ऑक्सीजन का -2, इसका कार्बन का +4, यहां क्या होगा ऑक्सीजन का -2 कार्बन का +3, है ना। ये हमारा क्या हो गया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। ऑक्सीडेशन नंबर में देखिएगा, अब बेटा क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिख दिए, अब यहां ओएन चेंज निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ओएन चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पर एटम, तो यहां पर एटम में चेंजिंग क्या हो रही है, 7 से 2 हो रहा है, 5 की कमी, ओएन चेंज कितना आएगा यहां पे, 5 आ गया, है कि नहीं। और यहां ओएन चेंज कितना होगा, ओएन चेंज पर एटम, ओएन चेंज याद रखिए 1 का 2 का 8 है तो 1 का 3 6 है, तो यानी यहाँ पे ओएन चेंज 2 आएगा, ओएन चेंज पर एटम आ गया। अब बेटा क्या करते हैं, ओएन चेंज को बराबर करते हैं, याद रखिएगा बराबर करने के लिए क्या करते हैं, पहले इक्वेशन दोनों को ओएन चेंज निकाल लीजिए, अब उस ओएन चेंज को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जो दूसरे का ओएन चेंज है इसका मल्टीपल पहले में करते हैं और पहले वाले ओएन चेंज का मल्टीपल दूसरे में करते हैं, तो इस तरह से ओएन चेंज बराबर हो जाता है। देख लीजिए इसमें कितने का मल्टीपल करेंगे, कितने का मल्टीपल करेंगे, 2 से, इसमें कितने का करेंगे, 5 से, और करके दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़िए देखिए इसका क्या होगा, 2 MnO4 माइनस ये 5 का इसमें मल्टीपल प्लस 5 C2O4 डाई निगेटिव हो गया एरो 2 Mn++ और प्लस 10 CO2 हो गया। अब देखिए जैसे ये इक्वेशन आ गया है ना, बस अब कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन बराबर कर लेके H2O और हाइड्रोजन को H+ से कर दीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा। देख लीजिए इधर कितने ऑक्सीजन है बेटा, कितने ऑक्सीजन है, 2 4 2 8 28 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं 10 2 20 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 8 H2O जोड़ दीजिए, और इधर कितने हाइड्रोजन हो गए 16, तो इधर क्या कर दीजिए, इधर प्लस 16H+ कर दीजिए, ये आपका इक्वेशन देखिए बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। देखिए ये आंसर उसमें भी आया था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी आया था, देखिए क्या आप देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं, 2 Mn 2 Mn 8 28 ऑक्सीजन है, 10 2 28 ऑक्सीजन, 16 हाइड्रोजन देखिए 4 देखिए इधर कितने प्लस हैं, 4 प्लस हैं, अरे 1 पे 2 है, 2 पे 4 प्लस हो गए, इधर 16 प्लस और 5 2 10 2 12 4 प्लस इधर भी बैलेंस है। तो ये बेटा एकदम सिंपल था ऑक्सीडेशन नंबर का, कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करेंगे, 2 हाफ रिएक्शंस लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, ओएन चेंज पर एटम निकालेंगे, ओएन चेंज बराबर करेंगे, पहले का अगर आया पहले का ओएन चेंज का दूसरे में, दूसरे का पहले में करके जोड़ देंगे,
फिर बराबर हो गए, फिर उसको आसमान कर लेंगे। तो ये बेटा है आपका इक्वेशन। देखिए यही इक्वेशन आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी आया था, 2m4 माइनस यही आया था सेम 16H5C2O4 डाई नेगेटिव 2m डबल प्लस 8H2O10CO2 सही। तो इस तरह से बेटा आपका ये रेडॉक्स इक्वेशन का बैलेंसिंग जो मैंने एक दो एग्जांपल से करा दिया, अब बेटा इसको किताब से और कर लीजिएगा, प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। रूल्स केवल दिमाग में बैठाइए, क्योंकि रूल्स अगर समझ में आ गया तो आप लोग लगा लेंगे। तो ध्यान से देखिए और आपको ये लेक्चर समझ में जरूर आएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए, कमेंट्स करिए। थैंक्स।